वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुः नाम्पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्त जनाश्रम चवरदम शिव शंकर स्वागत है आपका अपनी जाने सी पहचाने सी वही 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 संस्कृत वाली क्लास है ना जी चलते हैं मिलते हैं आपसे क्या मिलते हैं आपने, को, आपको मैं संपूर्ण वर्णमाला का अध्ययन आपकी एग्जाम कोच के प्लेलिस्ट में संस्कृत वाली प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वर्णमाला की एकदम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियोज आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आपकी संपूर्ण वर्णमाला हो गई है एकदम कंप्लीट और मैं आशा करता हूं बहुत जल्द ही वो एक सीरीज टेस्ट सीरीज आपको मैं लाइव दूंगा जो आपने वर्णमाला पढ़ी है इसलिए वो जो वीडियोस हैं अच्छे से देख के समझ के तैयारी कर लो कि बहुत जल्दी आपको हो सकता है नेक्स्ट संडे तक आपको उसका एक सीरीज टेस्ट का सीरीज भी मिल जाएगा ऑनलाइन ही करा दूंगा भाई साहब आपको यूट्यूब पे एकदम है ना जी बाकी आप आज जो नया प्रकरण पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम क्या है भाई साहब उसका नाम यही है क्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं लिख लो लिख लो अगर आप कॉपी नोट्स बना रहे हैं तो लिख लें संस्कृत व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं क्या 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 संस्कृत व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं संज्ञा तो जानते होंगे संज्ञा क्या होती है संज्ञा तो सबको पता होगा संज्ञा मतलब होता है नाम संज्ञा मतलब क्या होता है भाई साहब संज्ञा मतलब होता है नाम किसी का नाम ही क्या होता है वो होती है संज्ञा समझ में आया किसी का नाम ही क्या होती है जैसे तो आपका नाम रमेश महेश गणेश सुरेश क्या नाम भाई साहब आपका नाम महेश है ना जी तो आपकी संज्ञा क्या हुई महेश है अजी आपका नाम क्या है अरे आपका नाम प्रिया है तो आपकी संज्ञा क्या हुई आपकी संज्ञा प्रिया हुई समझ में आया तो किसी का जो नाम है वही संज्ञा ये क्या है ये पेन है है तो इसकी संज्ञा क्या है पेन किसी का नाम है उसकी संज्ञा होती है 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 ये क्या है? वॉच है, घड़ी है है तो इसकी संज्ञा संज्ञा क्या क्या घड़ी हम जो हमारा नाम है चंद्रा तो चंद्रा क्या है हमारी संज्ञा है भाई साहब किसी का नाम ये क्या है आपका डिजिटल बोर्ड तो डिजिटल बोर्ड इसकी संज्ञा हुई किसी का नाम उसकी संज्ञा होती है तो कहें कि संस्कृत में काहे पढ़ाने की जरूरत पड़ी संज्ञा की देखो थोड़ा सा मैं भूमिका बना दूँ ताकि आप संज्ञाओं में कंफ्यूज न हो क्योंकि ये जो संज्ञा आप पढ़ने जा रहे हो ये बिल्कुल अलग है किससे अलग है भाई साहब ये उस संज्ञा से अलग है जो हिंदी वाली आप पढ़ते हो ये यहाँ पे संज्ञाओं का मतलब किसी एकदम की की तरह है जैसे कोई अगर डॉक्टर का है कोई डॉक्टर डॉक्टर है तो अब डॉक्टर है उसकी अब उसके उस मेडिसिन विभाग का डॉक्टरी का एक कुछ पिट वर्ड्स होते हैं कुछ विशेष शब्द होते हैं शब्दकोश होता है अब किसी डिस्पेंसरी में बैठो अब जाओ तो वहाँ आपसे कुछ और नहीं बोलेगा जब जो बातें अक्सर जो सुनने को मिलेंगी कोई बोलेगा जी भाई थर्मामीटर ले आओ पैरासीटामॉल ले आओ हैं और ले वगैरा वगैरह है ना जी ग्लूकोज ले आओ ये लाओ वो लाओ तो जो बातें कर रहा है वो अपने विभाग से रिलेटिव कर रहा है या यूं कह लो जैसे अगर उसने जो ये ग्लूकोज नाम लिया वो डॉक्टरी विभाग का है थर्मामीटर नाम लिया हाँ जी थर्मामीटर नाम लिया नाम क्या है संज्ञा थर्मामीटर उसकी संज्ञा है तो अब कभी जब थर्मामीटर नाम लिया जाएगा तो उस ताप मापी तापमान मापी यंत्र का बोध होता है ऐसे ही सेम टू सेम अब ऐसा तो नहीं बोलता ना कि ओ तापमान मापने वाला यंत्र ले आओ ऐसा कभी बोला कभी नहीं बोलता है वो बोलता है भाई उसको इस तापमान मापने वाले यंत्र को एक नाम दे दिया गया क्या थर्मामीटर कहने का मतलब अब जब कभी भी वो डॉक्टर थर्मामीटर बोलेगा तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वो तापमान मापी यंत्र की बात कर रहा है उसको वही चाहिए ऐसे ही संस्कृत में भी कुछ शब्द हैं वही संज्ञाएं हैं वो बोलने से आगे उसका क्या मतलब समझो यही संज्ञाओं में बतलाया जाएगा जैसे अगर संस्कृत में एक होती है गुण संज्ञा कौन सी संज्ञा भाई साहब गुण संज्ञा तो ये जो गुण संज्ञा होती है गुण संज्ञा में तीन वर्ण आते हैं आ आता है ए आता है ओ आता है आ ए ओ तो जब कभी अगर क्या होता है कि आपको संस्कृत में अब जब यहां संज्ञाओं में आप आ गुण का मतलब आ ए, ओ पढ़ लोगे तो आगे जब किसी भी प्रकरण में कहीं लिखा होगा गुण तो उस गुण का मतलब आपको बताना ना पड़े है ना जी जब कहीं गुण लिखा हो तो ऑटोमेटिक आपको बोध हो जाए उस गुण का मतलब क्या होता है आ ए ओ ठीक है जी इसीलिए आपको संज्ञा जैसे डॉक्टर है अब बोला वो बोलेगा थर्मामीटर ले आओ तो उसके पास तापमान मापी यंत्र आ जाएगा क्योंकि उस तापमान मापी यंत्र को एक नाम दिया गया थर्मामीटर थर्मामीटर बोलने से तापमापी यंत्र का बोध हो जाता है ऐसे ही गुड़ बोलने से आ ए तीन वर्णों का बोध हो जाता है अब शुरुआत में इसको बता दिया जाता है ताकि जब कभी व्याकरण शास्त्र में कहीं लिखा हो गुण तो उस गुण का मतलब आप क्या समझो उस गुण का मतलब समझो आ ए ओ समझ में आया इसलिए आपको संज्ञाएं पढ़ाई जाती हैं तो चलते हैं लिखते हैं शुरुआत करते हैं पहली ही संज्ञा गुण संज्ञा से कौन सी संज्ञा वैसे पहली संज्ञा हम पढ़ाना चाहते हैं वृद्धि संज्ञा कौन सी संज्ञा वृद्धि संज्ञा इसलिए पढ़ा रहा हूं वृद्धि संज्ञा और एक चीज जान लो संज्ञा पढ़ने के पहले आप जब कभी भी संज्ञा पढ़ें ये आपके एग्जाम में क्या पूछता है ये जान लो आपको ज्यादा फोकस्ड कहाँ होना है कहाँ पे फोकस करके जाना ज्यादा पढ़ना है तो जब आप संज्ञा पढ़ो तो उसमें दो चीजें हमेशा याद रखना दो चीजें जिंदगी में नहीं भूलना है आपको कौन कौन सी तो एक तो संज्ञा का नाम नहीं भूलना है और दूसरा वो जो नाम है ये जो संज्ञा है इस संज्ञा का सूत्र क्या होता है दो चीजें संज्ञा संज्ञा का सूत्र संज्ञा संज्ञा का सूत्र ये दो चीज नहीं भूलना है क्यों क्योंकि यही दो चीज आपके एग्जाम में पूछता है हां मैं उस सूत्र का अर्थ भी बताऊंगा और उस अर्थ को उस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक आध उदाहरण भी दूंगा समझ लेना लेकिन इसलिए उदाहरण देता हूं इसलिए उसका अर्थ बताता हूं ताकि आपको संज्ञा अच्छे से स्पष्ट हो जाए हमको क्या हम चाहे तो सूत्र संज्ञा का नाम बताएं सूत्र बताएं आगे मैं निकल जाऊं लेकिन आप उसका फिर जब मतलब नहीं समझ पाओगे तो जाहिर सी बात है आप अ, अंदर आपके जाएगा नहीं आप उसको निकल नहीं पाओगे बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे अगर मैं केवल सूत्र और संज्ञा बता दूंगा मैं अर्थ भी बताऊंगा ठीक है लेकिन फोकस कहां करना है आपको सबसे ज्यादा क्या याद करना है उस संज्ञा का नाम जो मैं बताऊंगा और संज्ञा करने वाला जो उसका सूत्र होगा दो चीज आपको एग्जाम में पूछता है और कैसे पूछेगा मैं पढ़ाते हुए हमेशा बताते चलूंगा वृद्ध संज्ञा वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है भाई साहब तो लिख लो वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र होता है कौन सा लिखो 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 वृद्धिरा दईच क्या होता है वृद्धिरा दईच क्या होता है वृद्धिरा दईच होता है हाँ अब बताओ क्या है अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जी बताओ वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है तब आपको बताना है वृद्धिरा दैच बोलो बोलो बोल लेना जरूर जरूर बोलना वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा तो बोलो वृद्धिरा वृद्धिरादय होता है अब अगला क्वेश्चन कैसे बनता है पूछेगा वृद्धिरा वृद्धिरादेश कौन सी संज्ञा करता है तो आपको बताना होगा वृद्धिरा वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है वृद्धिरा वृद्धिरादेश होता है और वृद्धिरा वृद्धिरादेश कौन सी संज्ञा करता है तो वृद्धि संज्ञा करता है बस इतनी सी बात इतनी आप जानो समझो और समझो आई बात समझ में आगे चलते हैं अब इसका मैं मतलब बता देता हूं और एक लाइन में लिख लेना ये जो वृद्धिरा है ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है कहां का अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है प्रथम सूत्र है कौन वृद्धिरा वृद्धिरा वृद्धिरादी कौन सा तो ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है समझ में आया कहां का अष्टाध्यायी का पहला सूत्र इसलिए इसी को लिखा जाता है एक, एक एक इसका मतलब होता है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र ठीक है वृद्धादेश अष्टाध्याय का पहला सूत्र है इसका मतलब होता है तो मतलब समझ लेते हैं भाई साहब क्योंकि मतलब बिना सब बेकार है वृद्धि मतलब दो चीजें हैं वृद्धि वृद्धि मतलब वृद्धि संज्ञा वृद्धि मतलब वृद्धि संज्ञा ठीक है जी आगे क्या है राइ यहां होगा इसको जब अलग अलग लिखोगे इसमें दो चीजें हैं एक है आत एक है एच क्या है आत और एच आत और एच वृद्धि आत एच वृद्धि का मतलब वृद्धि संज्ञा हो गया आत का मतलब हो गया क्या दीर्घ दीर्घ आ इत्ता हलंतम से इस संज्ञा से स्लोप बचेगा क्या दीर्घ आ बचेगा आगे क्या है एच एच क्या है एक प्रत्याहार है और एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं तो कहोगे अय आता है और औ आता है ठीक है अय और औ आता है ठीक अब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस आ अय औ को क्या बोल सकते हो इस आ अय औ को किस नाम से जानते हो तो वृद्धि नाम से जानते हो समझ में आया अगर, अगर कहीं को कहीं भी आपको दीर्घ आ, आ आए, आओ बोलना हो तो आप उसको किस नाम से संबोधित कर सकते हो आप उसको वृद्धि नाम से संबोधित कर दे सकते हो उसको किस नाम से जानते हो वृद्धि नाम से कहने का मतलब आप व्याकरण शास्त्र में कहीं भी लिखा होगा क्या वृद्धि कहीं भी लिखा होगा तो उस वृद्धि का मतलब क्या समझना है उस वृद्धि वृद्धि का तात्पर्य क्या है दीर्घ बोलने से किसका बोध होता है आ आए आए का बोध होता है इसीलिए आपको यह वृद्धि संज्ञा पढ़ाई गई समझ में आया और पूछेगा वृद्ध संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है तो वृद्ध संज्ञ वर्णों की संख्या तीन होती है कौन कौन से आ वृद्ध संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी तीन आ ए समझ में आया आई बात कई समझ में भाई साहब है ना जी और किसी का नाम ही क्या होती है उसकी संज्ञा होती है जैसे राम किसी का नाम राम उसकी संज्ञा वैसे ही इन तीनों का नाम क्या है वृद्धि तो इन तीनों की संज्ञा क्या इन तीनों की संज्ञा वृद्धि संज्ञा समझ में आया आया कि नहीं समझ में अभी तीन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा होता है तब आप बताओगे वृद्धिरा दई ठीक है जी जब आपसे पूछेगा कि गुण संज्ञा माफ कीजिए वृद्धिरा दई कौन सी संज्ञा करता है तब आप बताओगे वृद्धि संज्ञा ठीक है जी जब पूछेगा वृद्धि संज्ञा वर्णों की संख्या कितनी होती है तीन होती है आ औ निम्नलिखित आओ मान निम्निखित व्या कौन सा है तो तीनों आपको पता है आ औ किसी आप्शन में आ औ लिखा रहेगा वो होगा एकदम सही आई बात कही समझ में ये हो गया वृद्धि ये हो गई आपकी वृद्धि संज्ञा आगे बढ़ते हैं एक लगे हाथ समझ में आया होगा फिर अगली संज्ञा लिखो कौन सी संज्ञा तो कहेंगे गुण संज्ञा कौन सी संज्ञा गुण संज्ञा कौन सी संज्ञा जी गुण संज्ञा 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 कौन गुण तो कहेंगे हाँ खाने वाला बढ़िया मीठा मीठा अच्छा अच्छा देसी शुद्ध देसी गुड़ नहीं 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 बिल्कुल नहीं वो वाला गुड़ की बात नहीं की जा रही है आ तो क्वालिटी वाला गुण हाँ जी क्वालिटी वाला गुण, गुण नहीं बिल्कुल क्वालिटी वाला गुण नहीं कि क्या गुण है आपके अंदर नहीं 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 बिल्कुल नहीं ई वाला गुण है तो पाणनी कहते हैं भाई साहब इसको यही कहते हैं कहते हैं अध बोलो 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 अदे गुण फिर से बोलो अदें गुण और एक बार बोलो अदे गुण पूछेगा संज्ञा का नाम क्या तो कहोगे गुण संज्ञा पूछेगा ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है तब आप बताओगे अदेंगुण बताओगे अब पूछेगा अदे गुण क्वेश्चन पूछेगा अदे गुण कौन सी संज्ञा करता है तब आप क्या बताओगे मेरे दोस्तों मेरे मित्र में भावी शिक्षकों तब आप बताओगे अदे गुणा गुण संज्ञा करता है आई बात गई समझ में यही दो टाइप का क्वेश्चन बनता है संज्ञा संज्ञा देगा संग्या का सूत्र पूछेगा या संज्ञा का सूत्र देगा संज्ञा पूछेगा आई बात समझ में इसको ज्यादा याद कर लेना है बाकी आगे की चीजें इस सूत्र का मतलब समझ लो ये सूत्र आपको बताता क्या है इस सूत्र आपको यही बताता है मेरे दोस्तों कि यहां इस आदेंग में दो चीजें हैं एक है अत और एक है एंग ठीक है जी एंग गुण मतलब क्या होता है गुण संज्ञा गुण मतलब गुण संज्ञा ठीक है जी गुणा मतलब गुण संज्ञा तो अत तो और एंग क्या होती है गुण संज्ञा होती है भाई साहब अब अत क्या है यहां अत का तात्पर्य क्या है अत का तात्पर्य है ह्रस्व आ, हरस्व आ। एक, एक प्रत्याहार है जिसमें आप प्रत्याहार पढ़े हो गिन लेना दो वर्ण आते हैं ए और ओ आता है ठीक है जी ए और ओ अब इस गुण गुण संज्ञा मतलब गुण संज्ञा होती है तो कह रहे हैं आ ए ओ की कौन सी संज्ञा होती है तो वही एकदम सेम टू सेम वृद्धि की तरह इन तीनों को गुण संज्ञा होती है या इन तीनों को हम इन तीनों को किस नाम से जानते हैं किनको आ ए ओ को हम किस नाम से जानते हैं तो आप कहोगे गुण नाम से किस नाम से अब व्याकरण शास्त्र में कहीं भी लिखा होगा गुण तो गुण का मतलब क्या समझोगे आ ए ओ जैसे डॉक्टर थर्मामीटर से क्या समझा तापमान मापने वाला यंत्र का बोध होता है वैसे गुण बोलने से कभी भी संस्कृत में किसका बोध होगा आ ए ओ इन तीन वर्णों का बोध होगा समझ में आया और आ ए का नाम क्या है गुण और किसी का नाम है उसकी क्या होती भाई साहब संज्ञा होती है तो यूं कह लो आ ए की कौन सी संज्ञा गुण संज्ञा या आ ए ओ का क्या नाम है तो गुण नाम है या फिर ये बताओ गुण संज्ञा वर्णों की संख्या कितनी तो कहोगे तीन कौन कौन सी आ ए ओ ये तीन आपके गुणसंजक वर्ण है ठीक है जी संख्या इनकी होती है गुण संज्ञक वर्णों की संख्या तीन वृद्ध संज्ञक वर्णों की संख्या तीन और अदेन गुणा कौन संज्ञा करता है गुण संज्ञा करता है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा अदेन गुणा इसका मतलब मैंने बताया अत एंग गुणा तो अत का मतलब आ है एक प्रत्याहार इसमें ए और ओ दो वर्ण आते हैं अब ये जो आगे गुण संज्ञा कहने मतलब आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है या आ ए ओ का नाम क्या है गुण अब व्याकरण में कहीं भी लिखा होगा गुण तो गुण से यही तीन वर्णों का वर्णों को समझा जाएगा सही बात आई बात गई समझ में गई की नहीं समझ में भाई साहब अब एक चीज और ध्यान देना देंगे ध्यान तो दीजिए ध्यान कहते हैं एक गुण संज्ञा है सूत्र लिखा है आदेन गुण एक और होता है गुण संधि होती है उसका सूत्र होता है क्या उसका सूत्र होता है भाई साहब कौन सा देख लेते हैं कौन सा देखते हैं देखते हैं देखते हैं गुण और वृद्धि दोनों को अगर जानना है संज्ञा और संधि अलग करना है तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आद गुण क्या होता है आद आदिगुण ठीक है जी आई बात समझ में समझ में आया यहां ये क्या है ये संधि ठीक है यहां संज्ञा अलग कर लेना भाई साहब कर लेना यार भाई साहब कर लेना भाई साहब अरे भाई कर लेना क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको आदिगुण और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है जी कहते हैं वृद्धि क्या होता है वृद्धि रेची और गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है कहते हैं अधेंगुड़ क्या होता है और वृद्धि वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता क्या होता है वृद्धिरा क्या होता है वृद्धिरा देश मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि जब भी मैं कहो हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ में देगा। क्योंकि आप याद रखना कि जब संज्ञा पूछे तो अदेन गुणा लिखना है आद गुणा नहीं माना दोनों में कंफ्यूज हो जाओ अरे हम कौन सा पढ़े थे कौन सा मार सर पटकने लगो कौन सा पढ़े थे कौन सा पढ़े थे ज्यादा घबराना नहीं है ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो दिमाग लगा लेना जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखा है ओ संज्ञा वाला सूत्र है दोनों में देख लो आध गुणा इसमें चार वर्ण है और इसमें पांच वर्ण है ये इससे थोड़ा सा संज्ञा वाला सूत्र बड़ा है जी ना जी रेचि में चार वर्ण है इसमें कितने हैं इसमें भी पांच वर्ण है तो जो संज्ञा वाला और ये इन्हीं दोनों में जुआ लग गुण और वृद्धि में को जानना अब मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि वृद्धि रेचि कुछ मिलावट लगती है कुछ एक जैसा लगता है तब के लिए बता रहा हूं ना कोई कंफ्यूजन हो तब के लिए समझा रहा हूं दोस्तों, अगर जो थोड़ा सा बड़ा लिखा है गुड़ा, वो संज्ञा का सूत्र है किसका है संज्ञा का सूत्र है और जो थोड़ा छोटा लिखा है वो संधि का सूत्र है संज्ञा और संधि के संधि के सूत्रों में अंतर हमेशा स्पष्ट किए रहना ताकि आपका ये संज्ञा वाला सूत्र गलत ना हो ठीक है जी कई बार परीक्षाओं में आया तो ऐसे पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है वृद्धि रेची चार वर्ण वृद्धिरादैच पांच वर्ण तो पांच वर्ण वाला संज्ञा है और चार वर्ण वाला आपका संधि है यही याद रख लेना बाकी बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और संज्ञाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार